अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गोल्डन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं नमक पारे, और ये बहुत टेस्टी और आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। इसे आप चाय के साथ खाएं, बच्चों को दें, बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे। तो चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं। साथ साथ हम डालते हैं और साथ साथ आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इधर मैंने 2 कप मैदा लिया, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा डाल दूंगी। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक है, इसमें जाएगा ये, और 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, इसमें ये मैं डाल दूंगी। डालने के बाद हाथों की मदद से आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि घी और ज़ीरा और जो नमक हमने डाला है वो मैदे में मिक्स हो जाए अच्छे। मिक्स करने के बाद इधर मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे, और आटे की तरह सख्त डो इसकी हमने तैयार कर लेनी है। एकदम हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना जो आटा है वो पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालिएगा। ये देखिए, अच्छे से हमने इसे गूंद लिया। अब आपने इसे अच्छे से मसल मसल कर गूंदना है, ताकि ये अच्छा सा रेडी हो जाए। 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से गूंदा, और ये देखे कितनी अच्छी ये डो तैयार हुई है। तो अब इसे हम गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया इसे हमने कवर करके रखा हुआ था, तो अब इसे हम एक बार फिर थोड़ा सा ऐसे एक मिनट के लिए ऐसे इसे दोबारा मसल लेते हैं अच्छे से। अब इसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। एक पेड़ा हम उठा लेते हैं, और बाकी को हम फिर दोबारा कवर करके रख देंगे, ताकि इसके ऊपर खुश्की वगैरह ना आ जाए। अब हमने इसे रोटी की तरह बेल लेना है। थोड़ा सा हम खुश्का ये बोर्ड के ऊपर छिड़क लेंगे, ताकि ये चिपके नहीं। अगर थोड़ा चिपके तो आप ड्राई मैदा का थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। ये इसे हमने पतला सा इसे हमने बेल लिया, और इसे हम तिरछा काटेंगे। इसकी ऐसे हमने तिरछा काटना है। अब हमने एक और इस दूसरी साइड से ऐसे तिरछा काट लेना है। देखें, ये सारे हमने काट लिए हैं, और इसे एक एक स्ट्रिप को हमने उठाकर ऐसे प्लेट में रखते जाना है। अगर थोड़ा कोई टेढ़ा वगैरह भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, ये इसी तरह ही होते हैं। ये हमने सारे बना लिए, इसी तरह हमने दूसरे पेड़ों को भी बना के कटिंग कर लेनी है। अब हम नमक पारों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए इधर मैंने एक कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हमने मीडियम आँच पर रखा हुआ है, तो हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा ये डो उठा के नमक पारे की, कि ये अभी गर्म हुआ है कि नहीं। जब ये जो हमने बैटर डाला है, डो डाली है, ये उठकर अगर ऊपर आएगी तो इसका मतलब है कि ऑयल जो है हमारा अच्छे से रेडी हो गया, ये बबल्स आने लग गए हैं। तो अब हम ये नमक पारे इसमें डालते हैं। मीडियम आँच आपने रखनी है, मीडियम आँच पे हम इसे फ्राई करेंगे, और एक एक नमक पारा हम जो है वो डालते जाएंगे आराम से। जितने आपकी कढ़ाई में आए आपने उतने डाल देने हैं, ज़्यादा आपने ओवरलोड नहीं करना। ये देखें, ये हमने डाला है, तो ये फ़ौरन उठकर ऊपर आ गए हैं। तो इसे हमने चम्मच को हमने लगातार चलाते जाना है, क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो वो एक साइड से ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे, और एक साइड से ऊपर से कलर इसका नहीं आएगा। तो एक जैसा कलर देने के लिए चम्मच को चलाते रहें। ये देखें, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और इसे अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो हम निकाल लेते हैं इसे अच्छे से, और इसे हम एक साइड पे ऐसे चम्मच को लगा देंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और बाकी के सारे इसी तरह हम फ्राई कर लेते हैं। नमक पारे बनकर हमारे रेडी हैं, और ये बाज़ार से भी बहुत अच्छे बने हैं, क्योंकि आपने इसे खुद बनाया है, और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आप घर में बनाएं, इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, खाने में भी मज़ेदार हैं। तो कल मिलेंगे हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।